अब कल ही मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक भाई ने कमेंट किए थे कि विवेक भाई आप खाली व्हाइट वाले पीसीज यार बिल्ड करे जा रहे हो। तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है यार बताओ, मतलब जो ऑर्डर कर रहे हैं जो लोग वो खाली व्हाइट केसेस मांग रहे हैं हमसे, अब हम उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार हमें यूट्यूब पे ब्लैक भी दिखाना है तो आप व्हाइट की जगह ब्लैक ले लो। भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है यार, हालांकि ब्लैक वाले बिल्ड्स भी जल्दी ही आने वाले चैनल पे, बट थोड़े दिन के लिए भाई व्हाइट वाले देख लो क्योंकि व्हाइट वाले आजकल ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इस वाले पीसी को बनाएंगे एंड इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट होने वाली वो 50 to 55,000 रुपीज़ में होगी एंड ट्रस्ट में यार काफ़ी शानदार सा पीसी होने वाला है। बाकी इस वाले पीसी को ऑर्डर किया है यार काफ़ी सारे लोगों का ऑर्डर आया है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ किसने ऑर्डर किया है इसको। इस वाले पीसी को ऑर्डर किया है कृष्णा भाई ने, जो कि रहने वाले हैं बिहार से। तो ये वाला जो पीसी है गाइस ये जाने वाला है बिहार, एंड अगर आपको बनाना था कुछ इस तरह का गेमिंग पीसी तो ये रहा हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर जाके बातचीत करके आप भी इस तरह का पीसी बना सकते हो एंड हम पैन इंडिया शिपिंग करते हैं। अभी तक आप लोग विंडोज का अनएक्टिवेटेड वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब भाई 400-500 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेना यार। आप लोगों को वीआईपी कीज पे 400-500 रुपए में विंडोज की रिटेल एंड ओएम कीज मिल जाती है, तो 500 रुपए में आपका जो पीसी वो एकदम सिक्योर एंड सेफ हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फटाफट से जाओ यार डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फटाफट से रिटेल या ओएम की बाई कर लो, इनकी वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला। पार्ट्स की बात करें तो गाइस ये एक एएमडी बिल्ड होने वाला है, दैट मींस कि यहाँ पे हम एक एएमडी का प्रोसेसर लगाने वाले हैं। भाई वैसे भी मैं भी बोर हो गया था यार इंटेल वाले पीसी बिल्ड्स कर करके, लोग इंटेल ही मांगे जा रहे थे। फाइनली एक एएमडी का पीसी आया है एंड एक नहीं और भी 2-3 पीसी आए हैं जिनकी वीडियो यार जल्दी ही चैनल पे आने वाली है, तो मेक श्योर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो प्रोसेसर के लिए यहाँ पे हमने लगाया है एएमडी का राइजन 5 5500, 6 कोर 12 थ्रेड आपको मिल जाते हैं, बढ़िया प्रोसेसर है, अनलॉक सीपीयू एंड स्टॉक कूलर के साथ ही यहाँ पे हम जाने वाले बजट को देखते हुए। बाकी ये आप लोगों को यार 8,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। बढ़िया सीपीयू, अगर आपको गेमिंग वेमिंग करनी थी, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी इस वाले पीसी के पर्पस की बात करें तो ये भी यार गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए ही यूज होने वाला है, एंड यहाँ पे एस्थेटिक्स के ऊपर भी भाई ने थोड़ा सा खर्चा कर दिया है। तो ये वाला हम प्रोसेसर लगाने वाले हैं। बाकी ग्राफिक कार्ड यहाँ पे हमने ये वाला लगाया है, ये हमारा जोटेक की तरफ से आने वाला उनका RTX 3060 12GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। 5 साल की वारंटी मिल जाती है, 3 साल की कंपनी देती है, 2 साल की आप एक्सटेंड करा सकते हो, टोटल 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई आपको RX 600 लेवल की गेमिंग करवा देता है, हालांकि वो थोड़ा सा सस्ता है, बट इसके अंदर आप लोगों को यार एनकोडर्स भी मिल जाते हैं सारे, दैट मीन्स की एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड आपको अगर 3D वर्कलोड जैसा काम करना था तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो यार। 12GB VRAM मोर देन इनफ रहेगी, इतना नहीं साथ ही साथ में यहाँ पे आप 4K पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है रेंडरिंग के लिए उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, फोटोशॉप यूज कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, और नॉर्मल वाले काम तो भाई सारा कुछ करवा देगा। एंड गेमिंग जो कि मेन मुद्दा है, गेमिंग ही आप लोगों को यार 1080p 60fps के करवा देगा। GTA 5 हो गया, Far Cry 5 हो गया, God of War, ये सारे गेम्स यहाँ पे चल जाएंगे। तो ये वाला हम यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे हमने बेसिक का मदरबोर्ड यूज किया, ये है हमारा B450M DS3H V2 मदरबोर्ड जो कि गीगाबाइट का है। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बढ़िया मदरबोर्ड है। आपको यहाँ पे 4 RAM स्लॉट मिल जाता है, NVMe का स्लॉट भी देखने मिल जाता है। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ पे आप लोगों को यार ARGB का हेडर नहीं मिलता है। ARGB हेडर दे देते ना तो मज़ा ही आ जाता। RGB हेडर है, ARGB हेडर नहीं है, तो पंखों को आपको बटन से ही कंट्रोल करना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पे इस केस में है। तो ये वाला हम मदरबोर्ड लगाने वाले हैं, 6,000-6,200 के आसपास मिल जाता है। वहीं रैम के लिए यहाँ पे हमने भाई 16GB की सिंगल स्टिक लगाई है, ये वाली XPG की 3200 MHz वाली रैम है। बाकी 3 RAM स्लॉट खाली, आप आराम से यार भर भर के रैम लगा सकते हो, 16 GB की 3 और इसकी यहाँ पे आप लगा सकते हो, बाकी इतनी रैम की जरूरत नहीं है आपको। आफ्टर दैट गाइस जो स्टोरेज वाली बातचीत थी वो ये रही, ये हमारा P3+, यहाँ पे हमने 500 GB का NVMe SSD लगाया, 4700 Mbps की रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है। हालांकि ये Zen 4 वाली है, काफी अच्छी रीड एंड राइट स्पीड है यार, एंड बजट में आ जाती है। कोई सेकेंडरी हार्ड ड्राइव यहाँ पे हम फिलहाल के लिए नहीं लगा रहे, तो ये वाली NVMe हमने लगाई है। एंड जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने का रीजन आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हो यार, वीडियो की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब ये 700-650 का PSU लगा दिया है पूरे वीडियो को पावर अप करने के लिए, MSI का है, देख रहे हो बढ़िया पीसी, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। पहले भाई ने 550 वोट मांगा था, बट 550 वोट हमारे पास स्टॉक में था नहीं, वो खत्म हो गया था, तो हमने बोला भाई 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के 650 वोट लगा लो, फ्यूचर में अपग्रेड आराम से कर सकते हो आप इसकी मदद से। तो ये थे वो सारे पार्ट्स, एंड केस को छोड़ के, केस ये रहा हमारा। अब केस है ये वाला हमारा जो कि हमारा X7 एंटी स्पोर्ट्स का, बढ़िया कैबिनेट है यार, 7 प्री इंस्टॉल्ड आपको ARGB फैन मिल जाते हैं,
तीन साइड में मिल जाता है, तीन बॉटम में मिल जाते हैं एंड एक रियर में मिल जाता है एग्जॉस्ट के लिए। मतलब 5,500 रुपीज में आपको ये वाला फैन व्हाइट कलर में 7 पंखे इंस्टॉल ऑफर करवा देता है, जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। बाकी यार टॉप पे 360mm तक का AIO सपोर्ट भी है। अब मुझे नहीं लगता है कि भाई इतनी बढ़िया वैल्यू आपको और कोई केस ऑफर करवाएगा। एंड सुंदर है यार, काफी खूबसूरत सा केस है देखो। मतलब इसको आप अपने टेबल पर रखोगे, कोई भी आएगा ना आपके रूम में तो बोलेगा हाँ भाई आपने कुछ बनाया है। मतलब भले ही उनको समझ में ना आए कि क्या चीज़ है ये, बट उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो बनाया है। मतलब बत्तियाँ बत्तियाँ भाई फुल लगी है इसके अंदर, तो ये वाला हम केस लगाएंगे। बाकी ये कलर मुझे पसंद नहीं है यार ये। तो ये थे वो सारे पार्ट्स गाइस जो कि हम इस वाले पीसी में यूज़ करने वाले। अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो ये वाला पीसी तो भाई देर किस बात का यार, इंतजार किसका कर रहे। ये हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, जाओ फटाफट से कॉन्टैक्ट करके आज ही ऑर्डर कर दो अपने लिए ऐसे ही पीसी हमारे यहाँ से। बाकी हम पैन इंडिया से फिंग करते हैं। एंड अगर आप सूरत गुजरात से हो हमारे ऑफलाइन स्टोर पर विजिट करके भी इस तरह का पीसी बनवा सकते हो। हमारे ऑफलाइन स्टोर की गूगल मैप वाली लोकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अब इस वाली वीडियो के लिए यार इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले पीसी के साथ साथ और भी पीसी पैक करके भेजना है। दिवाली में यार सबको पीसी भाई जल्दी जल्दी ही चाहिए, काफी सारे ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। तो मैं जाता हूँ यार उनको पैक करता हूँ। बाकी आप लोग यार फटाफट से हमारी टीम से बात करके ऑर्डर दे दो। तब तक के लिए अलविदा। I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.